तुम्हें गरुड़ का खिताब किसने दिया? जो भी क्रिमिनल दिखता है तुम उसका एनकाउंटर करके उसे मार देते हो। कमेंट को इसका जवाब कौन देगा? एक क्रिमिनल को मारने से उसके पीछे 10 क्रिमिनल निकल पड़ते हैं, ये बात तुम्हें पता है ना? इसलिए मारने के बजाय उन्हें अरेस्ट करो। एनकाउंटर के बाद तुम यहाँ मेरे सामने आकर क्यों खड़े हुए हो? और तुमने मीडिया को भी बुला लिया वहाँ? सर, एक क्रिमिनल और उसके गैंग और उनके नेटवर्क के बारे में सिर्फ आप सोच रहे हैं। वेब स्कॉट जर्मन मेड 6 राउंड ऑटोमेटिक वेपन उसके हाथ में था सर। एक ही सेकंड में उसका माइंड चेंज हो जाता तो क्या होता उस वैन के 50 बच्चों का और उनकी फैमिली का? यही बात उस वक्त मेरे दिमाग में थी। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था सर। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन याद रखो ये सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। हालात के साथ रंग बदलने वाले नेता कहलाते हैं, वक्त के साथ खुद को ढालने वाली पब्लिक कहलाती है, और वक्त पड़ने पर उन्हें बचाने वाली कहलाती है ये पुलिस। सर, एक पुलिस ऑफिसर के शरीर पर सिर्फ खाकी वर्दी और होल्स्टर में सिर्फ गन ही नहीं, उसे पूरा अधिकार भी होना चाहिए। यह अधिकार आप पुलिस वालों को देकर देखिए सर। एक घंटे में सारे क्रिमिनल सलाखों के पीछे होंगे और 24 घंटे में उसे जेल होनी चाहिए। सिर्फ एक महीने के अंदर शहर से अपराध का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन वो अधिकार आप मांगेंगे नहीं और नेता देंगे नहीं। शाबाश, यही वजह है कि सरकार ने तुम्हें इनाम दिया है। विजय, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? हो रहा है सर, यही एक अच्छा काम कर दिया। ने खुद ही अपने खोपड़ियों पे कुल्हाड़ी मार ली है तुम्हारे साथ धंधा करके। तुम्हारा कभी ऐसा हुआ ना तो हमारी खोपड़ी सटक जाएगी, फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। जो थाली में छेद करता है हम उसको काट डालते हैं। यहाँ का मक्खन लगाने आए हो? मक्खन लगाने आए हो यहाँ? गाय भैंस चरावन पालन के हम लोग विधानसभा में ले जाके बैठा दिए हैं, ये ओकर नतीजा बा। नहीं भाई, वो पुलिस वाला बहुत जिद्दी है, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। उसे कुछ भी किया तो इंक्वायरी कमेटी बैठ जाएगी और सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। डायरेक्ट गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई थी ये कहकर कि पुलिस की जरूरत है। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे शहर से ट्रांसफर करके डी प्रमोट करके इस गांव में भेज रहे हैं। उसकी आते ही उसे शिव के पास भेज दीजिएगा बाबूजी। ये रहे उसकी फोटो।